वहाँ पे अंदर आओगे ना तो कुछ ऐसा सा ब्लॉक वाइज आपको डिवाइड मिलेगा, लाइक आपको बेड मिलेगी वाला। प्लस इधर के साइड देखो ना, तो मैं भी आपको यहाँ का भी अंदर का दिखा दूँ इंटीरियर। तो कुछ ऐसा सेंट्री लोगे और फिर वहाँ से एग्जिट कर जाओगे अंदर। बाकी अपना वैष्णो माता का मंदिर वो तो आप लोग देखे ही होंगे। ये भी एक अलग सा थिएटर, प्लस आगे की साइड क्या क्या बन रहा है ना वो मेरे को नहीं पता, शायद ये भी थिएटर ही बन रहा है। मे भी ये भी देखो, ये भी थिएटर ही बन रहा है। दोस्तों हर हर महादेव, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारी वीडियो देख रहे होगे। सो गाइस, आज काफी दिन के बाद आज आ चुके हैं अपन लोग सोनपुर मेला। और फिर सोनपुर मेला ना आज जोरों तोरों से तैयारी चल रही है, क्योंकि कल 13 तारीख को इसका उद्घाटन होने वाला है। और फिर अपन लोग जहाँ पे उद्घाटन होगी ना उस स्थल पे ही अपन लोग वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो बिना लेट के वीडियो करते हैं स्टार्ट गाइस। बट पहले, उससे पहले ना आपको बता दें, यहाँ पे बहुत कुछ, बहुत ही बड़ा ये मेला है गाइस, बहुत ही बड़ा। और ये हर साल एक बार लगती है, जो अभी गंगा स्नान चल रही है ना छठ के बाद, उस अवसर पर हमेशा हर एक साल लगती है। और बहुत ही बड़ा ये मेला होती है, पूरा एशिया का ना सबसे बड़ा मेला सोनपुर का मेला होता है। इस मेला में ना आपको हर कुछ मिलेगा, जानवर हर कुछ मिलेगा, आपको जानवर ही खरीद सकते हो, गाय भैंस बकरी घोड़ा सारा कुछ खरीद सकते हो। तो वो भी है, प्लस इसमें थिएटर भी बहुत सारा है, तो आप लोगों को थिएटर भी दिखाने वाले, झूला भी एक से एक आपको मिलेगी, जानवर भी एक से एक आपको देखने को मिलेंगे। प्लस यहाँ पे एक अमरनाथ केदारनाथ और फिर अपना माँ वैष्णो देवी का मंदिर भी बना, वो भी काफ़ी बहुत ही अच्छा मंदिर बना, तो वो भी आपको दिखाने वाले। प्लस यहाँ का जो भी इंस्टॉल लगती है ना, इंस्टॉल सरकारी भी होती है और फिर प्राइवेट भी होती है, वो भी आपको दिखाने वाले। यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग जो भी आप ढूंढोगे ना वो हर कुछ अवेलेबल होती है, आप हर कुछ खरीद सकते हो। तो चलो बिना वीडियो को लेट किए ना करते वीडियो को स्टार्ट, क्योंकि आपको बहुत कुछ दिखानी है, टाइम काफी ज़्यादा लगेगी। तो वीडियो को भाई एंजॉय करना, मजे करना और वीडियो को जरूर देखना गाइस। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट गाइस। तो कलश निकला अभी हरिहर मेला का, कि जय हरिहर मेला कलश। और इतने सारे कलश में पार्टिसिपेट किए, सारे लोग जा रहे हैं कलश लेके। सो देख रहे हो, ये अपना कलश निकला हरिहर मेला के पास, मतलब सोनपुर मेला के पास से ही कलश अभी निकली है। जस्ट आप लोग देख रहे हो यहाँ से कुछ ऐसा एंट्री है, टोटल चार एंट्री है, चार से पांच एंट्री है, तो ऐसा वाला एंट्री मिलेगा। बट ये मेला ना बहुत ही बड़ा है, तो इधर के सामने के साइड से आप एंट्री लोगे ना वैसे ही आपको कुछ ऐसा वाला दृश्य मिलेगा। लाइक सामने की साइड देखो, आर्ट एंड क्राफ्ट का कुछ इंस्टॉल लग रहा है। और इधर की साइड देखो तो और भी बहुत सारा टेंट ये सब लग रहा है। तो ये सब को भी फिलहाल इग्नोर करते हैं, जो मेन मेन है ना वो आपको दिखाते हैं। प्लस ड्रोन का शूट भी आपको दिखाने वाले हैं गाइस, तो ड्रोन का शूट भी आप लोग देखना। तो ये वाली आप लोग देख सकते हो, आर्ट एंड क्राफ्ट का ये वाला बन रहा है टोटल। अब इसमें क्या सीन होगा अंदर की साइड वो नहीं पता, बट देखो यहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन जो भी काम कर रहे हैं ना, वर्क हैंड वर्क है, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और अंदर की साइड देखो ना तो आर्ट एंड वर्क का होने वाला है। यहाँ पे गेट पे देखो ना तो भी अभी हम आपको दिखाते हैं, ऐड भी लिखा हुआ आर्ट एंड क्राफ्ट ग्राम, तो ऐसा कुछ आपको सीन देखने को मिलेगा, आर्ट एंड क्राफ्ट ग्राम। यहाँ से आप लोग एंट्री ले सकते हो, एंट्री के साइड में ही ना आपको दो दो कैमरा मिल जाएगा, लाइक उस तरफ आप लोग देख सकते हो दो कैमरा है, तो कुछ ऐसा सीन है। प्लस यहाँ के थोड़ा सा भी आगे जाओगे ना थोड़ा सा एकदम, तो आपको लाइक यहाँ पे हरिहर क्षेत्र, लाइक मैंने वीडियो का स्टार्टिंग में ही बोला था ना कि यहाँ पे जो भी वीआईपी लोग आएंगे ना वो यहाँ पे अपना जो भी प्रोग्राम होगा वो देखेंगे। प्लस यहाँ पे नीतीश माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी आएंगे ना, तो इस मेला को 13 तारीख को उद्घाटन करेंगे। तो यहाँ का कुछ ऐसा मंच बन रहा है अंदर के साइड, अभी कैमरा डिटेक्ट नहीं कर पाएगी अपना गोप्रो अंदर के साइड से, क्योंकि अंधेरा में थोड़ा सा डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो फाइनली गाइस इधर के साइड आएंगे ना, तो लाइक आपको इधर से देख रहे हो उड वाला कुछ काम चल रहा है, बहुत सारा इंस्टॉल लग रहा है ना, इंस्टॉल बोलते हैं फिर इंस्टॉल बोलते हैं आप लोग, मेरे को उतना बोलना नहीं आ रहा, तो इंस्टॉल लग रहा है। प्लस इधर के साइड देखो, प्लस इधर झूला है, जो कि मैं आपको अभी झूला का लेना अलग है वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ कुछ ही देर बाद। बट यहाँ पे देखो ना, तो यहाँ पे सरकारी सभी पंडाल है स्टॉल लगा है और प्राइवेट सभी स्टॉल लगा है इसके अंदर, तो इसके अंदर बहुत सारा मतलब आपको बाय गाइज मतलब स्टॉल दिखेगा, खाने पीने का, कपड़ा वपड़ा का बहुत कुछ अंदर के साइड स्टॉल दिखेगा। अंदर जाओगे ना तो बहुत ही सारा कुछ दिखेगा। प्लस इधर के साइड आगे जाओगे ना तो आपको एक से एक थिएटर दिखेगी गाइज, एक से एक थिएटर। मैं भी आपको पहले थिएटर दिखा देता हूँ, क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ना। यहाँ पे देखो ये एक थिएटर है बन रही है जो कि, और ये भी काफ़ी कुछ बन चुका है, इंडिया थिएटर ऐसा करके नाम है, ये भी बन चुका है काफ़ी कुछ। और इसके अंदर का सीन देखो ना तो भाई काफ़ी भयानक वाला लग रहा है अंदर का सीन,
और फिर यहाँ से देखो तो कुछ ऐसा वाला ये वाला लग रहा है। प्लस इसके अंदर भी एक और थिएटर आपको मिलेगी, ये देखो ये भी एक अलग सा थिएटर है। प्लस आगे की साइड क्या क्या बन रहा है ना वो मेरे को नहीं पता, शायद ये भी थिएटर ही बन रहा है मे बी। ये भी देखो ये भी थिएटर ही बन रहा है गाइस। तो कंटिन्यू थिएटर पे थिएटर इधर मिलेगी, प्लस इधर के साइड कुछ इंस्टॉल मिलेगी, प्लस आगे की साइड जाओगे ना तो भी इंस्टॉल है। तो ये VIP वाला है ना, यहाँ पे जब नीतीश कुमार जी आएंगे ना तो एंट्री गेट वो वाली है, और फिर यहाँ से आप लोग अंदर आओगे ना तो आपको कुछ चेयर ऐसा मिलेगा। प्लस यहाँ पे ग्राउंड देख ले यार कितना क्लीन वाला ग्राउंड है, और फिर यहाँ पे कुछ ऐसा वाला भी काम चल रहा है क्योंकि कल उद्घाटन होगी इसी कारण से ऐसा। प्लस पर्यटक सूचना केंद्र ये है, और फिर सामने की साइड स्टेज देखो ना तो काफ़ी अच्छा सा स्टेज लग रहा है। लाइक आप लोग पढ़ सकते हो सामने की साइड में हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला 2024, तो यहाँ पे उद्घाटन होगी जो भी अपना माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, और फिर यहाँ पे उद्घाटन। तो गाइस यहाँ से जैसे आप लेफ्ट लोगे ना तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा खाने पीने का सामान, देख रहे हो बहुत सारा कुछ ऐसे ही हलवाई से मिल रहा है। प्लस इधर के साइड थोड़ा बहुत झूला है, ये तो भाई झूला का ऐसे ही स्टार्टिंग है। लाइक ये सब नॉर्मली सा झूला आपको दिखेगी, मेन झूला ना अभी आपको वीडियो का दिखाने वाले, बस आगे चलते चलना उसमें आपको दिखाने वाले। बट इधर भी थोड़ा सा अच्छा अच्छा सा झूला है, प्लस इंस्टॉल इधर भी देखो ना तो काफ़ी सारा कुछ स्टॉल अभी लग रहा है। लाइक 13 तारीख को इसका उद्घाटन हो जाएगा, उस टाइम तक ये फुल्ली कंप्लीट हो जाएगी। प्लस यहाँ पे देखो ना तो लोहा ये सब का सारा कुछ, बर्तन ये सब सारा कुछ मिल रहा है, तो आप लोग यहाँ से भी ले सकते हो। प्लस लाठी ये सब भी मिलती है, सारा इंस्टॉल बहुत कुछ कंप्लीट हो रखा है और बहुत कुछ अभी कंप्लीट होने को बच रहा है। इधर की साइड देखो काफ़ी सारा भी काम चल ही रहा है, तो कुछ ऐसा वाला काम चल रहा है। अभी मैं आप आगे जाओगे ना तो अभी मैं आपको ना कुछ और भी सीन दिखा। तो सामने यहाँ भी झूला भाई, यहाँ पे हर जगह झूला झूला, लेकिन मेन एक जगह झूला है ना वहाँ का झूला देख के ना आपको काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलेगी, क्योंकि वहाँ ना सिर्फ झूला ही झूला लग रहा है और कुछ भी नहीं। तो बस ये चलते, इधर भी झूला है काफ़ी सारा झूला इधर भी है, लेकिन वो झूला कुछ यूनिक वाला है गाइस, कुछ अलग अलग सा झूला है जो कि आप लोग कोलकाता इस समय देखते होगे ना, बड़ा बड़ा सा झूला वो सब झूला उधर आपको मिलेगी। हालांकि ये भी बड़ा वाला झूला है गाइस, आप लोग देख सकते हो ये देख लो भाई। तो यहाँ से आओगे ना तो कुछ ऐसा सामान, ये तो झूला का सामान है। प्लस यहाँ के साइड से अंदर आओगे ना तो ये देख लो गाइस कुछ ऐसा वाला सीन। लाइक काफ़ी ज़ोरों शोरों से काम चल रही है, और फिर यहाँ पे सारे लोग काम भी कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो अभी हम आपको ना पूछ के बताते हैं कौन सा मंदिर बन रहा है भैया, कौन सा मंदिर बन रहा है, ये वाली कौन सा मंदिर बन रही है, वैष्णो देवी, ये वैष्णो देवी वाली है। अच्छा, और उधर अमरनाथ वाली है, अमरनाथ और केदारनाथ उधर है। अच्छा सॉरी, तो ये वैष्णो देवी का जो गुफा होता है ना वही वाला ये बन रहा है, वैष्णो देवी का मंदिर बन रहा है ये। लाइक यहाँ से स्टार्टिंग होगी ना, यहाँ पे काउंटर रहेगा, और स्टार्टिंग कहाँ से होगी, स्टार्टिंग यहाँ से। अच्छा तो ये वाली काउंटर रहेगी आप लोग देख सकते हो, और फिर यहाँ से स्टार्टिंग रहेगी। मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है ना, तो हालांकि मैं आपको पूरा अच्छे से नहीं दिखा सकता हूँ, बट हाँ थोड़ा बहुत तो दिखाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ से आप लोग एंट्री ले सकते हो, यहाँ से एंट्री लोगे और फिर वहाँ से एग्जिट कर जाओगे अंदर। बाकी अपना वैष्णो माता का मंदिर वो तो आप लोग देखे ही होंगे, बट यहाँ पे कुछ अलग तरीके से बहुत ही मेहनत से काम चल रही है, आप लोग देख सकते हो। तो सारे लोग अभी काम कर रहे हैं, और अभी आपको ना अमरनाथ केदारनाथ सारा कुछ अभी आपको दिखा। तो ये देख सकते हो गाइस, ये भी स्टॉल काफ़ी कुछ पता नहीं क्या क्या इंस्टॉल लग रहा है मेरे को, उतना कुछ पता नहीं। प्लस इधर के साइड देखो ना तो 250 रुपये का सेल लगा हुआ है, स्टॉल ये सब 250 रुपये का। प्लस इधर के साइड आगे साइड ऐसे ही जाओगे ना तो बहुत सारा कुछ ऐसे ही सेल वेल लगा हुआ रहेगा आपको। बस इंस्टॉल भाई बहुत ही बड़ा है, भाई बहुत ही बड़ा है, हर कुछ का अलग अलग सा। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ ना इसको ना भाई पार्ट वाइज अपन लोग वीडियो को लाए, क्योंकि पार्ट वाइज नहीं लाएंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसी कारण से इसको पार्ट वाइज लाएंगे। क्योंकि इधर देख रहे हो स्टॉल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। प्लस आपको अभी दिखानी है जानवर वाला दिखानी है, प्लस जो फॉरेनर लोग आएंगे उनका अलग से भाई एरिया वो भी दिखानी है, बहुत कुछ दिखानी है, प्लस आपको मंदिर भी दिखानी है। लाइक देख सकते हो यहाँ पे झूला का मार्केट है, लाइक झूला बनेगी इधर भी, और ऊपर की साइड देखो ना तो एक यूनिक सा चीज़ दे देती है गाइस। जो ऊपर की साइड देख रहे हो नीचे से लोग क्रॉस करे, ऊपर की साइड से ट्रेन क्रॉस करेगी, प्लस इधर भी जानवर का रहने वाला है। और फिर अभी जो देखने वाले हैं ना गाइज, वो खुद में एक बहुत ही अच्छा वाला सीन आएगा आपको देखने में ना, काफ़ी अच्छा लगेगा।
क्योंकि अभी ना इधर की साइड ना अपन लोग जानवर वाले में एंट्री ले रहे हैं। इधर की साइड देखो ना तो गाय मतलब काफी सारा घोड़ा आपको दिख रही है, काफी सारा घोड़ा। मैं अभी बाइक से बना रहा हूँ ना, पैदल नहीं चल रहा हूँ क्योंकि यार काफी ज्यादा बड़ा है ना इसी कारण से। प्लस यहाँ पे स्टॉल देखो गाइस, बहुत ही सारा कुछ स्टॉल लगा हुआ है। और इधर की साइड भी देखो ना तो घोड़ा का आगे ना दोनों पांव बांध दिया गया क्योंकि काफी ज्यादा उछलती है ना तो भाग भी सकती है इधर उधर इसी कारण से, और सारा कुछ ओपन है ना इसीलिए। और फिर यहाँ पे देखो ना तो सिर्फ घोड़ा ही आपको मिलेगी दोनों साइड। तो उधर की साइड भी देखो ना सामने की साइड तो भी घोड़ा है, प्लस ट्रेन भी आ रही है। अभी का सीन ना काफी ज्यादा अलग होने वाला है, लाइक देख रहे हो घोड़ा और फिर ऊपर से ट्रेन, वो देख लो गाइस वो ट्रेन जा रही है। क्या इस प्यारा वाला दृश्य आ रहा है ना नज़ारा, तो ऐसा कुछ है। प्लस सामने की साइड चलेंगे ना तो अभी आपको दिखाते और भी गाय भैंस ये सब का सारा कुछ दिखाते, उधर रहती है गाय भैंस, फिर बकरी का अलग है वो भी आपको बकरी वाला भी दिखाते है गाइस। तो ये ना अपन लोग शॉर्ट्स में बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि यार वीडियो ना काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी गाइस, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग, जो कि आप लोग देखोगे ना तो बोले यार इतना लॉन्ग हो चुका है ना क्या ही बोल सकते हैं। सो इसी कारण से थोड़ा बहुत शॉर्ट्स में आप लोगों को दिखा रहा है, बट हाँ जब उद्घाटन होगी ना उस टाइम आपको फुल डिटेल्ड में दिखाएंगे क्योंकि उस टाइम ना सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और फिर ये गाय भैंस का बाजार, hold me close till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left, the storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust, yeah, no, I don't wanna waste what's left, and so guys, अगर मेला घूम के आप लोग थक गए ना तो यहाँ पे सोनपुर मेला ना आप लोग को रहने के लिए बहुत ही अच्छा सा व्यवस्था करके रखा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं रहने का व्यवस्था कहाँ पे है। तो लाइक आप लोग इधर से आओगे ना तो लास्ट जो जानवर वाली है ना उससे थोड़ा सा आगे आओगे ना तो राइट साइड टर्निंग लोगे, उसके बाद कुछ ऐसा है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है। यहाँ पे आप लोग ये मेन एंट्री है, यहाँ से आप लोग एंट्री लोगे ना तो आप लोग अंदर आओगे जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है। 13 तारीख को उद्घाटन होगी, उसके बाद फिर यहाँ पर एंट्री लोगे ना तो यहाँ पर जो भी है गार्ड ये सब रहेंगे शायद। और फिर यहाँ पे रहने का बहुत ही अच्छा उत्तम व्यवस्था किया गया क्योंकि यहाँ पे ना इंडियंस भी रहते हैं, फॉरेनर्स जो भी आते हैं ना वो भी रहते हैं। रहने का कुछ शुल्क है जो कि मिनिमम अमाउंट आपको देना पड़ेगा रहने के लिए, बहुत ही कम पैसा में आप लोग यहाँ पे रह सकते हो। बहुत ही अच्छा अच्छा सा टेंट है, लाइक मैं अभी आपको अंदर के साइड से भी टेंट दिखाता हूँ क्योंकि ये ना अभी बन रही है, अभी कम्प्लीट हुई नहीं है गाइज। तो यहाँ पर अंदर आओगे ना तो कुछ ऐसा सा ब्लॉक वाइज आपको डिवाइड मिलेगा, लाइक आपको बेड मिलेगी वहाँ पे, लैंटेन मिलेगा आपको, टेबल चेयर सारा कुछ, सोफा ये सब सारा कुछ मिलेगी। खाने का भी बहुत ही अच्छा से व्यवस्था किया जाएगा और आप लोग बहुत ही कम अमाउंट में अच्छे से रह सकते हो, खा भी सकते हो। और फिर भाई मेला घूम के थकने के बाद ना रहना रेस्ट करना तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है, तो कुछ ऐसा वाला। प्लस इधर के साइड देखो ना तो मैं भी आपको यहाँ का भी अंदर का दिखा दूँ इंटीरियर, तो कुछ ऐसा है लाइक पूरा फिनिश किया हुआ ना, आपको कुछ ऐसा मिलेगा फिनिश करके गाइस। तो ये आप लोग देख रहे हो कितना भयानक सा, कितना प्यारा सा एकदम लग रहा है, डिसेंट सा लग रहा है गाइस, ऐसा है गाइस। तो अभी मैं आपको ना दूसरा रूम दिखाता हूँ, लाइक यहाँ से एग्जिट करते हैं और फिर ऐसे ऐसे करके ना आपको बहुत सारा कुछ दिखेगा, बहुत ही सारा कुछ दिखेगा रहने का। तो ये कुछ ऐसा है, प्लस बाहर की साइड आप लोग बैठ भी सकते हो। तो ये चेयर है, लाइक जो भी आपको फॉरेनर से में जाओगे ना तो वहाँ पर बैठने का कुछ ऐसा ही होता है, लाइक यहाँ पर बॉडी रखो पैर आगे रखो कुछ ऐसा सा सीटिंग वाला आता है तो आप लोग यहाँ बैठ सकते हो। प्लस कुछ अंदर के साइड जाएंगे ना आप लोग तो कुछ ऐसा वाला बीच में ग्रीन ग्रीन टाइप का मैट दिया हुआ ना जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है गाइस, काफ़ी ज़्यादा प्यारा। प्लस ऊपर के साइड फ्लैग और दोनों साइड रेड रेड कारपेट दिया हुआ है। और यहाँ पे अभी काम चल रही है जोरों शोरों से, मैंने बोला पेंट ये सब चल रहा है, लाइक देख सकते हो अभी पेंट ये सब चल रहा है। और ऊपर की साइड पेड़ में देखो ना तो बहुत ही अच्छा से लाइटनिंग ये सभी लगाया हुआ है। प्लस यहाँ पर बैठने का बहुत ही अच्छा सा व्यवस्था किया गया जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में ही है, शायद कल तक कंप्लीट हो जाएगी, 13 तारीख को कंप्लीट हो जाएगी पूरे अच्छे तरीके से। और फिर यहाँ पे देखो ना तो कुछ ऐसा ऊपर की साइड आपको मिलेगा, लाइक वेलकम टू हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला 2024। तो यहाँ के साइड से अंदर आओगे ना तो कुछ ऐसा वाला सीन मिलेगा, मैं अभी आपको अंदर की साइड ये वाला भी दिखाता हूँ। तो मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ गाइज कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो ये वाली हॉल कुछ ऐसा मिलेगा, बहुत मेहनत लगता है ना काम करने में। प्लस ये देख लो यार कुछ ऐसा वाला सीन आ रहा है, तो कुछ ऐसा है गाइस। आप लोग को मैं इधर से दिखाऊँ ना तो ऊपर के साइड आप लोग पढ़ भी सकते हो, वेलकम टू हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला 2024। घोरा कटोरा राजगीर सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, जो भी टूरिस्ट प्लेस है ना अपना बिहार का वहाँ का नाम यहाँ पे सिंबल शो कर रहा है, लाइक आप लोग देख सकते हो पढ़ सकते हो। आप लोग बिहार में आओगे ना
तो आप लोग ये सब एरिया आप लोग घूम सकते हो। तो ऐसा ऐसा जगह है, प्लस यहाँ का ना व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही तगड़ा। प्लस ऊपर के साथ देखो ना तो किस तरीके से सफाई चल रही है। भाई अभी अपन लोग आ चुके हैं बकरी का मार्केट, लाइक खस्सी का मार्केट आ चुके हैं। हम लोग गांव में खस्सी बोलते हैं। तो ये देख सकते हो आप लोग, कुछ मार्केट ऐसा है लाइक यहाँ पे ना टोटल बकरी ही दिखेगी आपको। देख रहे हो कितना बड़ा बड़ा सा बकरी है गाइस, बहुत ही बड़ा बड़ा है भाई, बहुत ही बड़ा बड़ा सा। तो ये बकरी का स्पेशल मार्केट है। और फिर इधर गाय घोड़ा ये सब का सारा कुछ का मार्केट है। लाइक इधर के साइड आपको गाय घोड़ा भैंस ये सब, इधर से एंट्री लोगे तो अंदर की साइड दिखेगी। तो अंदर जाना काफ़ी दूरी हो जाएगा, तो इसी कारण से ना आपको अभी नेक्स्ट टूर पे लेके चल। तो गाइस इधर ना ब्लॉक वाइज करके बनाया हुआ रहने वाला, लाइक इधर की साइड देखो ना तो इधर की साइड भी अंदर से रहने का कुछ उत्तम व्यवस्था किया गया है। तो अंदर की साइड मैंने आपको ऑलरेडी दिखा रखा है, तो ये वाला दिखाने से मेरे को नहीं लगता कोई फ़ायदा है। और फिर इधर की साइड देखो ना तो इधर की साइड भी कुछ ऐसा ही है, लाइक वहाँ पर सटा सटा सा था और फिर यहाँ पर अकेले अकेले सा सिंगल सिंगल सा दिया हुआ टेंट टाइप का। तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा एकदम बनाया हुआ लाइक लाइनिंग टाइप का दिया हुआ है, और वहाँ पे सोफ़ा ऐसा बैठ सकते हो, प्लस अपना टेंट में रहने का भाई काफ़ी अच्छे तरीके से इंतजाम है। प्लस इधर के साइड देखो ना तो भाई, जैसे अपन लोग विदेश में जाते हैं ना लाइक कोई ट्रिप पर निकलते हैं ना, तो भाई टेंट लगा के अपन लोग रहते हैं, उसी टाइप का बनाया गया। प्लस यहाँ पर देखो ना तो एकदम छोटा छोटा सा ऊपर से ऊपर में ना टंकी बैठा दिया, क्योंकि उसके जस्ट नीचे में वॉशरूम है, तो वहाँ पे यूज करने के लिए वो टंकी है। प्लस यहाँ के साइड से देखो ना तो कुछ ऐसा रहने वाला इंतजाम किया गया है, जो कि यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर वाइट वाला में तो पता नहीं कैसा होगा, अंदर की साइड पता नहीं, बट अंदर की साइड इधर से देखो ना ब्लैक वाला में तो कुछ ऐसा वाला फीलिंग्स आता है, लाइक अंदर की साइड आप देखो ना तो कुछ ऐसा वाला सीन आता है। तो फर्स्ट वाला जिसमें पैसा लग रहा था ना, वो वाली तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, बट ये वाली भी सही है। फाइनली गाइस आप लोग यहाँ पे देखो ना, तो सामने के साइड जो मछली वाली होती है ना, जो जलपरी टाइप की, वो यहाँ पे बन रही है। प्लस आपको यहाँ पे दिख भी रही होगी गाइस, जो कि जलपरी वाला शो होता है ना वो यहाँ पे होता है, लाइक आपको बैनर में भी दिख रहा है जलपरी। और फिर अपना गाइस इंतजार हुआ था, तो मैंने आपको बोला था ना भाई झूला, ये झूला का मार्केट है, लाइक मार्केट नहीं, ये झूला का मेन बाज़ार है। यहाँ पे देखो ना तो झूला आपको एक से एक मिलेगी, बहुत ही भयानक भयानक सा झूला मिलेगा। तो ये वाली तो डिस्को नाइट वाली है, डिस्को वाली है ना, डिस्को डांस वाली ये वाली है। प्लस वो देखो स्काई वाला आसमान तारा जिसको बोलते हैं ना, बहुत ही बड़ा वाला झूला वो है। प्लस उधर के साइड एक और है। प्लस मैं ना आपको एक और झूला दिखाता हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक, काफ़ी ज़्यादा अलग, जो कि मैं अभी तक बिहार में नहीं देखा था, बिहार शरीफ में कहीं भी। तो यहाँ पर वो वाली लग रही है। प्लस यहाँ पर देखो ना तो वो चक्का वाली जो ऊपर नीचे होती है ना एरोप्लेन की तरह, वो वाली झूला है। प्लस सामने की साइड देखो ना तो भी आसमान तारा है जिसको बोलते वही वाली है। प्लस यहाँ के साइड आप देखो ना तो भाई ये वाली झूला, गौर करो ये कौन सा झूला है। लाइक मैं आपको बता दूँ, सिंगल सिंगल सा चैम्बर इसमें सीट होता है, और एक एक झूला एक आदमी के हाथ में रहता है, एक इंसान एक झूला पे बैठता है। उसका जो रोटेशन मारती है ना गाइस, वो दिल की धड़कने होती है ना उसको तेज कर देती है। तो ये वो वाली है, अभी मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि मेरे को उतना ये नहीं है कि मैं कैसे आपको बताऊँ, बट मैं इस पर राइड किया हूँ, बहुत ही ज़्यादा भयानक वाला होता है। तो ये आप लोग देख के बता सकते हो कितना भयानक है। प्लस उससे भी ज़्यादा भयानक देखना चाहते हो ना तो इस पे आ जाओ, नहीं इतना भयानक नहीं बट हाँ इससे कम भी नहीं है, ये भी बहुत ही भयानक है गाइस। जैसे बैठोगे ना सीट की जो बेल्ट बन जाती है ना, उसका जो ऊपर जाती है घूमती है ना गाइस, तो काफ़ी ज़्यादा डरावना सा लगता है, एकदम बहुत ही भयानक वाला लगता है यार सीन। तो ये वो वाली झूला है। प्लस आगे की साइड देखो ना तो जो कि मलमास मेला में लगा था ना,
वो वाली झूला आपको आगे दिखेगी, लाइक वो वाली झूला देख रहे हो सिंगल क्रॉस, लाइक जो 180 डिग्री में एकदम लगा हुआ। प्लस ये नाई वाला है ना, तो नाई वाला का तो मेरे को उतना पसंद नहीं है, बट हाँ फिर भी सही है। लेकिन ये वाली झूला ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगती है। तो आप लोग ये झूला को देख सकते हो जो कि 90 डिग्री एकदम 180 डिग्री पे एकदम ये खड़ा है, लाइक नीचे के साइड चार चार आठ जन बैठ सकते हो, ऊपर भी चार चार आठ जन। और जो घूमती है ना, रोटेशन मारती है ना, ये भी गाइस दिल का ना धड़कन को भाई थमासा देता है, ऐसा हो जाता है। और सामने एक साइड देखो ना, तो ये भी अपना माँ वैष्णो देवी का गुफा बन रहा है गाइस। यहाँ पे ना मतलब क्या बन रहा है ना, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ये भी माँ वैष्णो देवी का गुफा बन रहा है। और उधर के साइड कौन सा मंदिर बन रहा है ना, अभी सिर्फ बैम्बू ही गढ़ाया, बासी गढ़ाया, तो उसे पता नहीं चल रहा है अपने को कौन सा मंदिर बनने वाला। ये भी देखो ना, तो इधर भी सिर्फ अभी बासी है, लाइक अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो पता नहीं चल रहा है। और फिर वहाँ भी अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो वहाँ भी बोले थे माँ वैष्णो देवी का गुफा है, और फिर ये भी माँ वैष्णो देवी का गुफा है। हालांकि मैं आज तक कभी नहीं गया हूँ ना, तो मैं नहीं बता सकता, बट हाँ माँ वैष्णो देवी का ये गुफा है। और फिर यहाँ पे भी काम चली रही है, और यहाँ पे मानो ना कुछ अलग सा ही सीनरी आ रहा, बहुत ही भयानक सा। गाइज एक और थिएटर, लाइक यहाँ पे देख रहे हो एक और थिएटर आ चुकी है। तो भाई मतलब थिएटर कमी होने का नाम नहीं ले रहा है। ये यहाँ पे महेश्वर चौक है, और फिर बाजू में ही अपना थिएटर है। जब आप अंदर आओगे ना, तो आपको एक रेल ग्राम मिलेगा, जो कि ये ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा एकदम बनाया जा रहा है अंदर के साइड से। रेल वाला गाँव जब ये मेला स्टार्ट होगी ना, उस टाइम आपको ओपन किया जाएगा, जो कि काफ़ी भयानक सा लग रहा है सीन देखने में। लाइक आप लोग देख सकते हो कैसा वाला सीन लग रहा है अंदर के साइड। तो ये रेल ग्राम के नाम से इसे बनाया गया। प्लस देख रहे हो रेल का एकदम बोगी टाइप का रहता है ना, वही वाला अंदर के साइड दिया हुआ है एकदम अच्छे तरीके से भाई, बहुत ही भयानक तरीके से बनाया जा रहा है। प्लस आगे की साइड चलो ना, तो आगे की साइड आपको क्लॉक रूम मिलेगी, लाइक यहाँ पे जो भी है ना, यहाँ पे भी कुछ टेंट वेंट लगे। प्लस वहाँ पे वो वाली ब्राउन वाली दिख रही है ना, वहाँ पे मेन आपका सीसीटीवी कैमरा जितना जगह सारा कुछ लगा हुआ ना, यहाँ का मेन मॉनिटर होगा, यहाँ से सारे लोग देखेंगे। प्लस यहाँ भी अंदर के साइड कुछ भाई आर्ट एंड क्राफ्ट वाली ये भी है। प्लस यहाँ पे आपको मॉनिटर किया जाएगा, सारा कुछ देख रेख करेंगे ये लोग यहाँ से, कि कौन कहाँ पे क्या कर रहा है, सारा कुछ मॉनिटर रूम यही है गाइस। और यहाँ भी एक मंदिर बन रही है, कौन सा मंदिर बन रही है मेरे को नहीं पता है, बट देखते क्या सीन होता है कौन सा मंदिर।